in its requirement, recruitment entry requirements and has few precise rules on professional qualification. इलामा अकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तकरीबन हर साल 10,000 बच्चे जो हैं वो एडमिशन लेते हैं और टीचर एजुकेशन के लिहाज से प्राइमरी टीचर सर्टिफिकेट PTC से PhD तक की ये कोर्सेज करवा रही हैं। टीचिंग प्रैक्टिस ड्यूरेशन ऑफ 1.5 मंथ्स बोथ फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग प्रैक्टिस इन दी डिजाइन नेटेड स्कूल ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज को एजुकेशन बट देयर आर सेपरेट सेंटर्स फॉर मेल एंड फीमेल एट द लोअर लेवल्स मॉनिटरिंग प्रोसेस इज वेरी रेयर। टीचिंग प्रैक्टिस जो आप टीचिंग प्रैक्टिस करने जाते हैं आपको डिफरेंट जगह पे प्लेस किया जाता है 1.5 मंथ के लिए आपकी ड्यूरेशन में जहाँ पे जाके आपने जो कुछ सीखा होता है आप परफॉर्म करते हैं। आप स्कूल में भी जाते हैं कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में अपने अकॉर्डिंग टू लेवल आप जाके परफॉर्म करते हैं और आप उसकी रिपोर्ट देते हैं और उनको मॉनिटर किया जाता है। पोस्टिंग एंड सर्विस स्ट्रक्चर इन द पब्लिक सेक्टर जो कुछ स्केल्स हुए हैं पोस्टिंग एंड सर्विस स्ट्रक्चर इज कमेंसुरेट विद द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ टीचर्स एज द क्वालिफिकेशन लेवल इंक्रीज सो डू द टीचर स्केल्स। मैट्रिक और PTC आपने ट्रेनिंग किया हो तो आपको 7वां स्केल मिलता है। FA, FSC और साथ में CT की आपने ट्रेनिंग ली हो तो आपको 9वां स्केल मिलता है। आपने BEd और MEd किया हो तो आपको 16वां स्केल मिलता है। यहाँ से देख ले मैट्रिक और PTC ट्रेनिंग के साथ स्केल 7, FA इंटरमीडिएट CT ट्रेनिंग का स्केल 9 और BEd और MEd किया हो तो आपको स्केल 16। डिफरेंस देख लें क्वालिफिकेशन और रैंक का लेवल। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स द पॉलिसी एंड प्लानिंग विंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद इन 2009 फ्रेम 10 स्टैंडर्ड फॉर टीचर एजुकेशन। ईच स्टैंडर्ड हैज 3 पार्ट्स। नंबर 1 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट टीचर नोस। डिस्पोजिशंस बिहेवियर एटीट्यूड वैल्यू परफॉर्मेंस स्किल्स ये स्टैंडर्ड्स हैं नेशनल प्रोफेशनल के टीचर क्या जानता है क्या नॉलेज है और क्या अंडरस्टैंडिंग है डिस्पोजिशन उसका बिहेवियर कैसा है एटीट्यूड क्या है उसकी वैल्यूज क्या है परफॉर्मेंस उसकी स्किल्स कैसी है। स्टैंडर्ड 1 सब्जेक्ट मैटर नॉलेज उसको सब्जेक्ट मैटर की कितनी नॉलेज है कितनी डेप्थ में वो जानता है कॉन्सेप्ट थ्योरीज और हिस्ट्री वगैरह कितना उसका ग्रिप है उसके ऊपर। स्टैंडर्ड 2 ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह वो अपने नॉलेज के साथ कंस्ट्रक्ट करता है एक्वायर करता है स्किल को डेवलप करता है हैबिट ऑफ माइंड की इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स डाइवर्स करता है स्टाइल ऑफ लर्निंग को मोटिवेशनल कितना वो कितना हेल्प करता है यूज करने में। नॉलेज 3rd स्टैंडर्ड नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज सोशल लाइफ स्किल्स उसकी कितनी नॉलेज है इस्लामिक एथिकल वैल्यूज गुड और बैड में और सोशल लाइफ की स्किल्स में कोड ऑफ कंडक्ट बिलीव्स क्या है प्रेयर्स क्या है एथिक्स क्या है इन लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना वैल्यूज विच आर ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड आर बींग प्रमोटेड एसेंशियली प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक वैल्यूज इन द टेक्स्ट बुक्स क्रिएट अ सेफ एंड सिक्योर लर्निंग एनवायरमेंट क्या वो क्रिएट कर पाता है सेफ एंड सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट। स्टैंडर्ड 4 इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज उसके एम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एज वेल एज करिकुलम फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स प्लान इंस्ट्रक्शनल क्या स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स नीड डेवलपमेंट प्रोग्रेस एंड प्रीवियस नॉलेज इस तरह की प्लान करे और स्ट्रेटजीज बनाए स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए कि उनकी नीड क्या है किस चीज उनको क्या चीज है जिनसे वो डेवलप होंगे प्रोग्रेस करेंगे और उनके पास प्रीवियस नॉलेज क्या है। जनरल मेथड ऑफ टीचिंग स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ द सब्जेक्ट। स्टैंडर्ड 5 असेसमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट टू असेस स्टूडेंट लर्निंग एंड परफॉर्मेंस द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट टू वैल्यूएट एंड इम्प्रूव
teaching learning, the belief that students' deficiencies are opportunity for learning, fair assessment and reporting to students and families. वो किस तरह से करता है, क्लास पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर करता है, होमवर्क देता है या क्विज लेता है, टेस्ट देता है, असेसमेंट के जो भी तरीके हैं, मिड टर्म में, फाइनल टर्म में ऑब्जर्वेशंस करता है, देन फेयरली वो क्या करता है, स्टूडेंट्स की रिपोर्ट बनाता है और उनकी फैमिलीज को उसके बारे में अपडेट करता है. स्टैंडर्ड 6, लर्निंग एनवायरनमेंट. हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस इन क्लासरूम्स. How the classroom environment influences learning and promote positive behavior for all. How classroom participation supports students' commitment to learning. The role of students in promoting each other's learning and recognize the importance of peer relationships in learning. आपने अपनी क्लासरूम में किस तरह से टीचर जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव क्लाइमेट बनाता है, बच्चों की टेंशन रखता है, बच्चों को नेगेटिविटी से रखता है, पॉजिटिव रखता है और उनकी लर्निंग इंप्रूव करता है ताकि वो ग्रो करें फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, सोशली भी. स्टैंडर्ड 7, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इंपॉर्टेंस ऑफ वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. यूज कंप्यूटर्स एज instructional research and evaluation tools. Use available diverse technical tools, artwork, videos, cameras, phones, computer, etc. in their classroom. Standard 8, collaboration and partnership. Effective school-home interactions that contribute to high quality teaching and learning. Approaches to collaborate effectively with parents, professionals and community. Recognize the role of parents, guardians and other family members as a child's teacher. Standard 9, continuous professional development and code of conduct. Demands of professional code of conduct. Education research can be used as a means for continuous learning, self-assessment and development. Development, maintain a personal, professional portfolio, share successful professional experiences with others. यानी कि वो professionally खुद को develop करे continuously और code of conduct को वो follow करे और जो भी उसके positive experiences हैं वो दूसरों के साथ share करे और कोशिश करते रहे कि कंटिन्यूसली वो लर्निंग करे और सेल्फ असेसमेंट करे और डेवलपमेंट करे खुद को. टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज. स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तान. स्ट्रेटजीज टू इनहांस लर्निंग इन इंग्लिश एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज. आइडेंटिफाई एंड एनालाइज एंड लर्निंग डिफिकल्टीज इन इंग्लिश लैंग्वेज. Use of simple English language along with supportive use of Urdu for effective teaching and learning purposes. National Professional Standards for Teachers in Pakistan 2009. English ko second language ko kis tarah leke chale, uski difficulties kya hai learning English ko kis tarah guide kar sakte hain aur saath saath jahan pe zarurat ho helping Urdu ko use kare taaki cheezon ko samajhna unka purpose fully easily वो रिजोल्व कर दे. The accreditation of teacher education programs. The accredited teacher education programs of all the public and private universities who offer teacher education program, the government in 2009 and the Higher Education Commission has constituted the National Accreditation Council for Teacher Education, NACTE, which is an autonomous body. The conceptual framework of the standards for accreditation of teacher is the following. ये accreditation के standards हैं teacher education program के लिए. Standard 1. Curriculum and instruction. Curriculum is properly designed to attain the national professional standards for teacher is approved by the competent authority and disseminated to all concerned. Again, आपको
इजी वर्डिंग में बताने की कोशिश करता हूँ।